अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। एक बार फिर से वेलकम जेके इन्फॉर्मेशन अपडेट में। मैं हूं आपका होस्ट इरफान। जेके एसएसबी की तरफ से जो नोटिफिकेशन नंबर 1 आई थी 2021, उसके लिए ऑनलाइन पोस्टर्स अवेलेबल हैं। जिस जिसको अप्लाई करना होगा वो अप्लाई कर सकते हैं। 23 मार्च शायद उसका लास्ट डेट है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, सेटअप बाई सेटअप दिखाऊँगा कि कैसे हम इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं घर बैठ के अपने फ़ोन से। मैं फुल फॉर्म आपको दिखाऊँगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हो घर बैठ के, वो भी अपने फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से, इजी ट्रिक के हिसाब से। तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पे आप देख सकते हो, एक तो एडिट ऑप्शन अभी अवेलेबल है, 4567 पोस्ट जो एडवर्टाइजमेंट है। यहां पे देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिंक फॉर पोस्टर्स अंडर एडवर्टाइज नंबर 1 ऑफ 2021। तो इस पे ये अभी के ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है जो एक्टिवेट है अभी, जिस जिसको अप्लाई करना होगा नोटिफिकेशन 1 के लिए 2021, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 927 पोस्टर्स है शायद इसके लिए। तो इस यही मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा सेटअप बाय सेटअप कैसे हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, तो अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट रिसीव करना चाहते हो जॉब रिलेटेड अपडेट्स, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को ऑल रख सकते हो ताकि आप हर एक अपडेट जो है रिसीव करोगे सबसे पहले। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जरूर एंड तक देखिए और लाइक जरूर कीजिए। चलो हम इस पर क्लिक करते हैं। जो ही हमने इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पे ये बाकी जो नोटिफिकेशन है इसकी लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है। अब नोटिफिकेशन 1 के लिए जो है 2021, इसके लिए जो है हम ऑनलाइन जो डेट है वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुकी है। हम इसकी पहले ये नोटिफिकेशन देखेंगे, नोटिफिकेशन देखने के बाद हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। नोटिफिकेशन देख सकते हो यहाँ पे, जल शक्ति में 465 पोस्टर्स, हॉर्टिकल्चर में 345 पोस्टर्स, लॉ जस्टिस एंड पैरामिलिट्री अफेयर्स के 41, हॉस्पिटलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट में 2, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में 7। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो है 927 पोस्टर्स। इसके जो लास्ट डेट है वो है 24 मार्च। स्टार्टिंग डेट जो है 24 फरवरी से स्टार्ट हुआ, 24 मार्च का लास्ट डेट है। चलो हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ फुल वीडियो में। हम मैंने इस पर अप्लाई किया, जो मैंने इसके लिए अप्लाई किया, हमें पहले इसके लिए अपनी ईमेल जो है ईमेल क्रिएट करनी है। जो ही मैंने इसके लिए ईमेल क्रिएट की, ईमेल क्रिएट करने के बाद फिर मैंने नीचे लॉगिन किया, तो लॉगिन करने के बाद मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2021 एप्लीकेशन फॉर्म डिस्ट्रिक्ट डिविजनल डिवीजन डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी पोस्ट जो है इसके लिए हमें इसके लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के हम जहाँ पे इसके लिए पहले हमें इस पर अप्लाई क्लिक करना है। अप्लाई पे देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे पोस्टर्स है। असिस्टेंट मशीनिक है, कैमरा मैन है, कैशियर है, जूनियर असिस्टेंट है, डॉक्टर्स मैन, ड्रिलर है, ये सारे पोस्टर्स यहां पे अवेलेबल है। इन पोस्टों में आप किसी भी पोस्ट के लिए चूज कर सकते हो, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको अप्लाई करना होगा इन पोस्टों के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक पोस्ट चूज किया, यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट चूज करने के बाद मैंने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया है। जो ही मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे दो इतने सारे जो जूनियर असिस्टेंट किन किन डिपार्टमेंट में, कहाँ कहाँ डिस्ट्रिक्ट, किस किस डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, वो सारे यहाँ पे शो हो रहा है। पहले तो यहाँ पे डिविजनल कश्मीर, डिविजनल जम्मू, डिविजनल जम्मू, डिविजनल जम्मू कठुआ उधमपुर, ये सारे यहाँ पे शो हो रहे। तो मैं आपको दिखाऊँगा मुझे किस पे क्लिक करना है। अब देख सकते हो यहाँ पे, इसके बाद मैंने यहाँ पे डिविजनल कश्मीर जूनियर असिस्टेंट जल शक्ति पीएचई डिपार्टमेंट चूज़ किया है। उसके बाद मुझे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कर तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक मिनट दिख रहा है, ये पोस्ट कार्ड भी चूज़ करना है। यहाँ पे ये भी आपको चूज़ करना है, यहाँ पे किस कश्मीर डिवीजन, कश्मीर डिवीजन जम्मू, ये भी आपको चूज़ करना है यहाँ पे। इसके बाद मुझे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये फुल डिटेल आ रही है। अब मुझे ये फुल डिटेल फिल करनी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा, पहले पर्सनल डिटेल, फिर परमानेंट एड्रेस डिटेल, कॉरस्पोंडेंट एड्रेस, कैटेगरी एप्लीकेंट, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्वालिफिकेशन डिटेल, अदर डिटेल, डिक्लेरेशन, अपलोड सिग्नेचर फोटो, तो उसके बाद सेवन कंटिन्यू। मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल जो है, पहली डिटेल जो है फिल की। यहाँ पे नेम लिखना है यहाँ पे, फिर उसके बाद फादर्स का नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है, कैटेगरी किससे बिलोंग करते हैं, और यू एक्स सर्विस मैन या है या नहीं वो भी यहाँ पे फिल करना है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज यहाँ पे, फिर मोबाइल नंबर खुद ही आ जाता है, ईमेल एड्रेस भी खुद ही आ जाता है जब वहाँ पे लॉग इन करोगे। उसके बाद वेदर मैरिड या और यस और नो लिखना है। फिर उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो यस, इशू की गई है तो वो भी यहाँ पे यस करना है। अगर इशू की गई है फिर उसके बाद उसका नंबर देना, अगर यस करोगे, अगर नहीं तो फिर नो करना है। डिविजनल किस से, कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट किस से, किस डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करते हो, बारामूला से। फिर उसके बाद यहाँ पे सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे बोल रहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो मैं अब इसका नंबर दे रहा हूँ, वेट कीजिए।
तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है उसका नंबर दिया है और सर्टिफिकेट इशूंग अथॉरिटी किसने वो इशू की है, तहसीलदार ने या एसडीएम साहब ने या किसी ने, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद हमको आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जो आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने फिर दूसरा सेटअप आएगा यहाँ पे। अब आपको ये सेटअप जो है परमानेंट एड्रेस वाला सेटअप फिल करना है, मैं आपको दिखाऊंगा। अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो ये परमानेंट एड्रेस वाला जो है फिल किया है यहाँ पे, ये सारी डिटेल यहाँ पे, हाउस नंबर देना है, लोकेलिटी मोहल्ला वार्ड देना है, विलेज देना है, उसके बाद डिवीज़न देना है किस जम्मू या कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट देना है, तहसील यहाँ पर आपको फिल करना है, वागू यहाँ पे ब्लॉक कहाँ पर आपका वो फिल करना है, पंचायत कहाँ पर है, और पिन कोड देना है। पिन कोड यहाँ, इसके बाद आपको यहाँ पे सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कॉरस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पे मांग रहा है। यहाँ पे कॉरस्पोंडेंस एड्रेस जो है यही आपको, अगर पिछले वाला एड्रेस है वही आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर सेम एज परमानेंट एड्रेस है कॉरस्पोंडेंस वो आपको यस करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे खुद ब खुद एस यही डिटेल जो है शो अप हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको आप कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, कैटेगरी जो है ओपन मेरिट मैंने पहले ही लिख के रखी है, आपके पास क्या है, आरबीए है या शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स, वो आपको पहले ही जो है वहाँ पे अप्लाई करना होगा उसके लिए। फिर उसके बाद यू आर स्पेशली एबिलिट पर्सन, अगर है यस तो, अगर नहीं तो फिर उसके बाद नो करना है। फिर उसके बाद आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर जे एंड के एम्प्लॉय हो तो फिर यस करना है, अगर नहीं तो नो करना है। फिर उसके बाद आर यू एन एक्स सर्विस मैन, अगर यस है तो एक्स सर्विस मैन तो यस करना है, अगर नहीं तो नो करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो यहाँ पे शो अप हो जाएगा। वेदर एनी एफआईआर हैज़ बीन लॉन्च्ड रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, अगर कोई एफआईआर है तो यस करना है, अगर नहीं तो नो करना है। फिर उसका वेदर एंड पेंडिंग इन एनी कोर्ट एंड लॉ, कोई अगर कोई एफआईआर कोर्ट में आपका पेंडिंग है तो वो अगर है तो यस करना है, अगर नहीं तो फिर उसके बाद नो करना है। अगर वेदर है चार्ज शीट हैव बीन फिल्ड अगेंस्ट यू, अगर कोई चार्ज शीट आपके खिलाफ है तो अगर है तो यस करना है, अगर नहीं तो फिर नो करना है। फिर उसके बाद वेदर यू हैव बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ कंप्लेंट जुरिसडिक्शन इन एनी ऑफिस, अगर कहीं पर है तो कोई यस करना है, अगर नहीं तो नो करना है। वॉज एनी कोर्ट केस हैव बीन फिल्ड अगेंस्ट यू, अगर कोई कोर्ट केस आपके अगेंस्ट है तो यस करना है, अगर नहीं तो नो करना है। वेदर एनी डिसिप्लिनरी एक्शन हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट अगेंस्ट यू, अगर कोई एक्शन आपके खिलाफ ली गई है गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ने तो फिर यस करना है, अगर नहीं तो नो करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल जो है मांगी जाएगी, मैं आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी है। मैंने यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल की है, पहले तो मैट्रिक यहाँ पे परसेंटेज मैक्सिमम मार्क्स कितना है, रिजल्ट कब निकला है, फिर उसके बाद ट्वेल्थ मैक्सिमम मार्क्स कितना है, परसेंटेज क्या है, ऑब्टेनड मार्क्स कितने हैं। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री अगर की है ग्रेजुएशन परसेंटेज लिखनी है। फिर उसके बाद कब रिजल्ट निकला है आपका, ये सब आपको फिल करना है। फिर उसके बाद अगर आपके पास डू यू हैव टेक्निकल डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, अगर है कुछ कोई आईटीआई डिग्री है कुछ, फिर उसके या यस करना है। फिर उसके बाद उसकी डिटेल भरना है, अगर नहीं तो फिर नो करना है। यहाँ पे लिखा है डू यू हैव सिक्स मंथ्स डिप्लोमा, अगर हाँ इसके लिए डिप्लोमा चाहिए जूनियर असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर डिग्री मैंने किया है कंप्यूटर, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे यस किया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ये फिल इसकी डिटेल जो है फिल की। उसके बाद डू यू हैव टाइपिंग स्किल, अगर टाइपिंग स्किल इसके लिए चाहिए मैक्सिमम 35 मेरे पास है तो मैंने यस किया। फिर उसके बाद 35 लिखा। फिर उसके बाद सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे और एक फॉर्मेट आ रहा है, डू यू पास द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन, अगर एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन है तो फिर आपको यस करना है। यहाँ पे चूज एग्जामिनेशन सेंटर एट जम्मू में रखना है या कश्मीर में रखना है, मैंने कश्मीर में रखा है, कश्मीर वाले कश्मीर में ही रखेंगे, जम्मू डिवीजन वाले जम्मू में ही रखेंगे, मैंने कश्मीर में रखा है। फिर यहाँ पे सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन मांग रहा है, डिक्लेरेशन मांगने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपको फोटो काफ़ी फोटो एक यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ऐड करना है, सिग्नेचर ऐड करना है, सिग्नेचर जो है वो लेस देन 1 MB से नहीं होगा होना चाहिए और फोटो भी लेस देन 1 MB से नहीं होना चाहिए, मैं आपको दिखाऊंगा। जब आपको यहाँ पे फोटो फिल करना है यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शंस आएंगे, कैप्चर इमेज आयो फाइल में फाइल आपको सेंड चूज़ करना है। फाइल चूज़ करने के बाद आपको अपनी गैलरी से अपने फ़ोटो जो है चूज़ करने हैं, इसीलिए इसके बाद आपको यही ऐसे ही ये भी चूज़ करना है जो आपका सिग्नेचर है वो भी चूज़ करना है। मैं अपना फ़ोटो चूज़ करूँगा यहाँ पर, एक मिनट, जो मैंने चूज़ किया फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, थोड़ा वेट कीजिए। प्लीज़ अपलोड साइन,
जो सिग्नेचर है सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ है, मुझे सिग्नेचर फिर से अपलोड करना नहीं हुआ है। अब इसको मैंने इस पे ऊपर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखिए मेरा फॉर्म जो है वो पूरी तरह से उसके जो रिसेप्ट है फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली। अब देखिए मेरा एप्लीकेंट फॉर्म जो है वो शो अप हो रहा है, मैंने इसके लिए जो अप्लाई किया है वो मेरे पास शो अप हो रहा है। तो इसीलिए ऐसे ही आपको सेटअप बाय सेटअप खुद को भी जो जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना होगा ऐसे ही आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। ये था लेटेस्ट अपडेट, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। सिंपल ईजी तरीके से मैंने आपको दिखाया अपने जो घर बैठ के कैसे अप्लाई कर सकते हैं जो कि SSB क्लास 4 जो ये नोटिफिकेशन नंबर 1 आई है 2020 के लिए, उसके लिए कैसे आप घर बैठ के अपने फ़ोन से जो है अप्लाई कर सकते हो। ये ऐसे ही बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हर किसी को नहीं आता है अप्लाई करना तो वो भी सीखेंगे इस वीडियो से। तो हर किसी के साथ ये शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे लेटेस्ट अपडेट हर टाइम आप रिसीव करोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।